मुख्यमंत्री निवास में करीब 2.5 घंटे तक चली कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक खत्म हो गई है। फिलहाल निगम मंडल की दूसरी लिस्ट के लिए इंतजार करना होगा। बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने मीडिया से बातचीत कर कहा कि आज बैठक में कुछ नामों पर चर्चा हुई है, नीति भी आगे के लिए निर्धारित की गई है। ये निरंतर प्रक्रिया है, इसी की प्रक्रिया निर्धारित है। ऐसा नहीं है कि आज मंथन हुआ और तुरंत सूची जारी कर दी जाए। उम्मीदवारों का बायोडाटा तैयार कर AICC यानी कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को भेजा जाता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष से अनुमोदन लिया जाता है, फिर चीफ मिनिस्टर संबंधित विभागों से आदेश जारी करवाते हैं, तो इसकी लंबी प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि आज विचार किया जाए और फौरन जारी कर दिया जाए। सूची जारी होने के बाद नामों का पता लग जाएगा, इसमें पहले से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बैठक में और भी कई मुद्दे थे जिन पर चर्चा हुई है। आगे और चर्चा करने के बाद निगम मंडलों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी जाएगी। इस बैठक में सीएम भूपेश बघेल, प्रभारी पीएल पुनिया, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, मंत्री टीएस सिंहदेव समेत कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। पुनिया ने कहा कि इसके अलावा केवल यही एजेंडा नहीं था, संगठन को किस प्रकार मजबूत किया जाए और जो जिला कमेटियां हैं उनका पूरा गठन होना है, इस पर भी चर्चा हुई। ब्लॉक अध्यक्ष पहले से काम कर रहे हैं, लेकिन जहां पर परिवर्तन करना है उसकी भी समीक्षा होनी है। फिर नीचे जोनल कमेटी है, सेक्टर कमेटी है, बूथ कमेटियां हैं, उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा हुई है। आज बैठक की और कुछ नामों पर चर्चा हुई और नीति भी आगे के लिए निर्धारित की। ये निरंतर प्रक्रिया है, कोई आज पहले एक दफ़ा लिस्ट जारी हुई है, आज नामों पर चर्चा, कुछ नाम अंतिम है, लेकिन उसकी प्रक्रिया निर्धारित है। कोई ऐसा नहीं है कि आज डिस्कशन को और जारी कर दिया जाए। उसमें सबका देख के बायोडाटा बना के फिर AICC भेजा जाता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुमोदन लिया जाता है, फिर आती है सूची, चीफ मिनिस्टर उसमें संबंधित विभागों से आदेश जारी करवाते हैं सब समीक्षा करने के बाद। तो इसकी लंबी प्रक्रिया है, कोई ऐसा नहीं है कि आज विचार किया जाए फौरन जारी कर दिया जाए। और उसके अलावा केवल यही एजेंडा नहीं था, संगठन को किस तरह से मजबूत किया जाए, जो जिला कमेटियां उसकी पूरा गठन होना है, ब्लॉक अध्यक्ष पहले से काम कर रहे हैं लेकिन जहां परिवर्तन करना हो उसकी भी समीक्षा होनी है, फिर नीचे जोनल कमेटी है, सेक्टर कमेटी है, बूथ कमेटियां हैं, उसके बारे में भी चर्चा हुई, विस्तार से चर्चा हुई। और कमेटी केवल मंडल निगम और वही तक सीमित नहीं है, जिला स्तर के ऊपर भी अनेक ऐसे कमेटी हैं अलग अलग विभागों की जिसमें नियुक्तियां होनी हैं, वो हजारों की संख्या में। गोठान कमेटियां बन रही हैं, उसमें भी लोगों का बड़ा आकर्षण है, उसकी तरफ भी है। तो मैं समझता हूं कि बहुत व्यापक पैमाने पर एक आम आदमी, गरीब आदमी या अपने कार्यकर्ताओं का सशक्तिकरण मजबूती के लिए।